Marhaba.
حکمت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں. ہم اپنے نبی کے گن گا رہے ہیں, ہم اپنے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں, کسی عام پرسنالٹی کی نہیں, کسی عام شخص کی نہیں, ہم اپنے نبی کی گن گا رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھیں, مرحبا سے سر بر جا پہنچے
आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं सोने के लिए, पूरी ज़िंदगी है सोने के लिए, आज थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ के हवाले से मुख्तसर बयान करूँगा। बहुत लंबा ये वाक़िया है मेराज नबी का, बहुत लंबा, मैं सिर्फ थोड़ा सा चीज़ बयान करूँगा और कोशिश करूँगा 20 मिनट को अंदर क्लोज कर दूँ, ठीक है। आप सुनेंगे जाके, आप जाके सुनेंगे, आप माना नहीं कर रहे, यस जाके सुनेंगे, आंखों को भी जगाना है और दिल को भी जगाना है और माइंड को भी, ऐसा नहीं आंखें तो जाग रही मगर माइंड सो रहा है, ऐसा नहीं करना, जाग, ठीक है। कुछ हासिल आज कर रहे हैं, मैं आपको तो वजीफा भी बताऊंगा, दो वजीफे बताने हैं मैंने आपको, दो वजीफे, लेकिन बयान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हदीसे पाक बयान करूँगा। अभी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन जिया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, जिब्रील अमीन ने, हमारे प्यारे नबी फरमा रहे हैं जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राजी हो, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक बार दुरूद भेजे, मैं अल्लाह उस पर जिस रहमत नाज़िल करूँ, और एक बार सलाम भेजे, मैं उस पर जिस सलाम भेजूँ। जो कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर जिस रहमत नाज़िल फरमाता है, और जो एक बार सलाम भेजेगा अल्लाह ताला उस पर जिस सलाम भेजेगा। सुभान अल्लाह, आपको ये हदीस पाक समझ में आई, आपने फिर सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये दिल खोल कर आप पढ़िएगा, ठीक है। एक मरतबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कही, सुभान अल्लाह, अभी भी जिस तरह आप सारे माशाल्लाह इतने सारे हैं, आपकी बात बहुत हल्की है, एक मरतबा और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप एक और दरख्त अपने नाम का जन्नत में लगवा लें, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला मुझे, आज 4 मंथ हो चुके मुझे, आज पता चला मॉरिशस में मैं ध्यान कर रहा हूँ, माशाल्लाह आपका रिप्लाई बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपने रिप्लाई बहुत अच्छा किया, आप रिप्लाई करेंगे ना मुझे इंशाल्लाह। अल मुअज्जम अल औसत की हदीसे पाक है, जब रजब मुरजब का महीना आता, ये रजब का महीना जारी हो सारी है और इस्लामी साल का ये 7वां महीना है, 7वां, ठीक है, 7वां मंथ है ये वाला रजब मुरजब। तो जब रजब का महीना आता तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, आइए हम सब इस दुआ को मिलकर पढ़ते, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اتنی معراج کو
बैतुल्ला से लेकर बैतुल मुकद्दस तक की जो मेराज है, इतनी सैर है, इतना मियाजे है, इस मेराज को जो ना माने वो काफिर है। क्यों? क्योंकि ये कुरान पाक से साबित है। कुरान पाक बता रहा है, अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान पाक में किया, इसको जो ना माने वो काफिर। और आसमानों की सैर करना, स्काई की सैर करना, जन्नत तो दोजख का मुआयना करना, सैर करना, ये जो ये अहदीसे करीमा से साबित है। अहदीसे करीमा में ये वाकयात बयान हुए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया। और अहदीसे सहीहा मुतमदा मशहूरा से साबित है ये वाकयात, जन्नत की सैर करना, दोजख को देखना, ये सारे का सारा अहदीसे मुबारका से साबित है। और ऐसी अहदीसे मुबारका जो हद तवातुर के करीब पहुंच चुकी हैं। हद तवातुर का मतलब ये है, तवातुर उसे बोलते हैं, इतने लोगों ने इन अहदीस को बयान कर दिया है, इतने लोगों ने इन अहदीस को मरवी किया है कि जिनका झूठ पर मौची पर मुत्तफिक होना, जमा होना ये मुहाल है। इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, ये तवातुर को पहुंच चुकी है अहदीसे करीमा। जो इतनी सैर को ना माने, यानी कि कोई ये कहे कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत की मेराज को नहीं मानता, आपने कोई मेराज नहीं की, तो वो इसका इनकार करने वाला गुमराह है। गुमराह सीधे रास्ते पर नहीं है, वो भटक चुका है, वो सीधे रास्ते से साइड पे हट चुका है। और वो रिवायात जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया, अपने सर की आंखों से अल्लाह ताला को देखा, वो अहदीसे करीमा भी हैं। अगर कोई इस चीज को ना माने, इसका ना मानने वाला खताकार है, गलती पर है, मिस्टेक पर है, तो पता चला चाहे वो काबा मुशर्रफा से लेकर बैतुल मुकद्दस की मेराज हो, चाहे आसमानों की मेराज हो, चाहे अल्लाह ताला का हमारे नबी ने दीदार किया है ये वाली मेराज हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान मानते हैं कि हमारे नबी को मेराज हुई, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने वियाजे करवाया, सैर करवाई, जमीन की आसमान जमीन की सैर करवाई, आसमान की सैर करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेराज करवाने में हिकमत क्या है, एक हिकमत मैं ध्यान करूंगा आपके सामने, एक हिकमत आप तवज्जो रखिएगा इधर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तमाम मोजज़ा जो नबियों को अता किए गए, मोजज़ा मेवात मेवात जो मोजज़ा अता किए गए और ग्रेड्स अता किए गए, दराजात अता किए गए, मोजज़ात दराजात तमाम अंबिया को अता किए गए, तमाम नबियों को मोजज़ात मेवात और ग्रेड अलग अलग दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट। हजरत मूसा को ये मोजज़ात, हजरत ईसा को ये मोजज़ात, हजरत इब्राहिम को ये मोजज़ात, हजरत इस्माइल को ये मोजज़ात, डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो मोजज़ात अता किए गए अलग अलग। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के मोजज़ात, तमाम नबियों के दराजात, बल्कि उन मोजज़ात से बढ़कर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो मोजज़ात वो ग्रेट्स अता हुए। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं मिसालें आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो वसलाम को ये मेराज में अल्लाह ताला से कलाम भी हुआ, ताकीम भी हुई, आसमानों की सैर भी हुई, आसमानों का वियाजे भी हुआ, जन्नत और दोजख का मुआयना भी किया, जन्नत की सैर भी की, गर्ज थे कि वो तमाम मरातिब वो तमाम ग्रेड्स जो और नबियों को दिए गए थे वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حکمت ہے، ایک حکمت میں آپ کو بیان کروں گا، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی سیر کی اور دوزخ کا معائنہ بھی کیا، دوزخ کو دیکھا بھی آپ نے، مگر جہنم دوزخ میں کچھ آپ نے عجیب دیکھا، کچھ اچھا نہیں دیکھا، وہ اچھا نہیں دیکھا وہ میں بیان کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ یہ مسند الحارث حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ حدیث پاک سنیے، معراج کی رات، آج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر، آپ جو ایسے افراد پر آپ کا گزر ہوا، آپ گزرے ایک جگہ سے، ایک جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ مقرر تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے ان لوگوں کے منہ لابوس اوپن کیے ہوئے تھے، لابوس کھولے ہوئے تھے، لابوس اوپن کیے ہوئے تھے، منہ کھولا ہوا تھا، افراد